वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से नई वीडियो में। और गाइस आज की वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ अपने साथ रेड क्रिमिनल की एंट्री हुई है दोस्तों। और आज हम लोग खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड डायरेक्ट हीरोइक लॉबी में। हमें चाहिए जरा आज मैं कूद रहा हूँ। शुरुआत मैं सोच रहा था ना कि पीक से नहीं करते, आज क्लॉक टावर से करते हैं, थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि आज प्लेन इसके ऊपर से पहले जा रहा है तो मुझे लगता है ना यहाँ पर बहुत सारे एनिमी आने वाले हैं। मैंने आज गेम में एक और चेंज करा है कि आज ना मैं वूकोंग के साथ ट्राई नहीं करूँगा गाइज। हर बार हम वूकोंग से खेलते हैं ना, इस बार सोच रहा हूँ कि ओरियन ट्राई करके देखते हैं अनियन कहीं का। स्कैनर पे तो फिलहाल देख के लग रहा है कि दो स्क्वाड आई है। चलो देखते हैं कि हमको सबसे पहला वेपन क्या मिलता है। ओके अंदर आ गया हूँ, मिल जा मिल जा मिल जा। अरे भैया कुछ भी नहीं है यार एक। ओके 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 गाइस A94 मिल गया मेरे को। यहाँ पे एक हेलमेट ही पड़ा है, अब चलता हूँ इसको मारने के लिए। इनकी फाइट सॉल्व हो गई भाई, दो दो स्क्वाड होगी तेरी। एक मिनट गाइस, ये मुझे फेंकना पड़ेगा, इन्होंने इतना रास्ता ही पैक कर दिया दोनों साइड से ग्लू बॉल लगा के। अरे भैया शानदार हेडशॉट A94 से। ये मेरा किल चोरी करना होगा, इतना आसान ही है भैया मेरा किल चोरी करना। शानदार ही है, बैच 91 आ गए लॉबी में भैया, भूया ले जाएंगे आज तो। ओके गाइस उस वक्त मैंने यहाँ पे एक प्लेयर देखा था, ये देखो ये हेड तो लगा इसको, मगर बहुत चालाक लड़की है। एक काम करता हूँ, पीछे से तो कोई नहीं आ रहा ना। नहीं कोई भी नहीं आ रहा है, रश करने के वक्त आ गया गाइस, पीछे से कोई भी नहीं आ रहा है। बस मैं चाहता हूँ ना मुझे पीछे से कोई भी ना मार दे, हर बार ऐसा ही होता है। यहाँ पे मैंने उस वक्त एक प्लेयर देखा था, इसको ये आया तेरी तो काम आ रहा है। अरे ये इसके पास एमो नहीं है शायद गाइस, देखो भी वही गया ऑलरेडी गया। मैंने मेरा बहुत देर से देख रहा हूँ गाइस, बार बार बच जा रही है ग्लू वॉल लगा के, ऊपर से मेरा किल भी चोरी कर लिया तूने। तेरे दूस वगैरह नहीं है? नहीं है भाई, अकेले ही हीरोइन बनने आई है इसको तो गाइस अभी। अरे पहले गिव अप कर दिया तूने, तेरे को इमोट दिखाने वाला था वरना मैं तब से इतना परेशान करके रखा था। ऑल राइट गाइस, मेरे को अभी फिलहाल UMP मिल गई है, तो मेरा जो फर्स्ट SMG वेपन है आज शॉर्ट रेंज फाइट का, वो मुझे UMP मिला। तो पूरा गेम में सोच रहा हूँ UMP से ही करेंगे गाइस, MP40 शॉटगन वगैरह कुछ भी नहीं चलाएंगे। देखते हैं कि क्या हम लोग UMP से भूया कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल मैंने A94 को भी एक्सचेंज करना है, बाकी तो सेट है। दो किल हो गए अपने, यहाँ पे लेवल 3 का वेस्ट पड़ा है, इसको भी उठा लेते हैं। अंदर भी कुछ नहीं पड़ा है, मुझे लगता है ना गाइस जितने भी प्लेयर्स आए थे सब अपने दोस्तों को रिवाइव करने के लिए भाग गए। हमको बस दो ही किल मिले आज क्लॉक टावर पे, कोई बात नहीं। अगर अरे रुको सामने शायद गाइस कोई प्लेयर आया है, ये देखो पैराशूट से कूद रहा है अभी इसको भागेगा। अरे यार ये A94 में ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिकॉइल होता है बड़े। ओह उसको हेडशॉट नहीं लगा, लेकिन अब नहीं बचेगा ये। आ जा भैया ओरियन की पावर। हाँ इतना आसान है क्या मुझे मानना, क्या बात है गाइस। ये वेट कर रहा था कैम करके कि कब मैं इसको ऊपर रश करूंगा, लेकिन इसको मालूम नहीं कि आज मैं भाई अपने साथ ओरियन लाया हूँ तो मेरे को कुछ नहीं कर सकता है। बैठ के मारा था देखो, जैसे कि हेडशॉट ही मार देगा। फिलहाल गाइस मैंने उस वक्त आगे देखा था ना किसी को कूदते हुए जो बच गया था A94 से, अब नहीं बच पाएगा क्योंकि हमको मिल गई M40। देखो ये आया सीधे हेडशॉट, क्या भैया कब तक भाग रहा था। अरे एक और आ गया लैब, ये इसको भी हेडशॉट, क्या बात है गाइस 5 किल यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और फटाफट से लूट भी कर लेता हूँ मैं, सुपर मेडिकेट वगैरह पता नहीं क्या क्या लूट के बैठे हुए यार ये लोग, मज़ा आ गया गाइस आज तो। ओरियन वैसे मस्त चीज़ है। वैसे सही बताओ तो यार अभी मेरा ना वो शॉटगन उठाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि शॉटगन का अलग ही मज़ा होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में। बट नहीं आज हम लोग ना दोस्तों सिर्फ UMP से ही भूया करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला वेपन हमको आज यही मिला है। तो आज हमारा चैलेंज है कि भाई अगर हमें भूया करनी है तो UMP से करनी है, चाहे हमारे सामने AWM क्यों ना आ जाए, आज तो UMP से ही खेलेंगे गाइस। और एट फिलहाल गाइस मैं नीचे की साइड जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना ज़्यादातर लोग रिवाइव करने के लिए भागते हैं। अरे वाह दोस्तों सामने मेरे को ड्रॉप दिख गया है, और मैंने फुल स्पीड में रेस घुमा दी है उसी की तरफ। देखते हैं कि आज हमको ड्रॉप में कौन सा वेपन मिलता है। वैसे तो M4 एक मिनट गाइस यहाँ पे कोई तो आया है, लेकिन यार मेरे पास स्कोप नहीं होए, मैं कब ओरियन बन जाता हूँ। 47 HP बची है मेरी बस, फ्यू बॉल लगा लेते हैं गाइस पहले। ये कब आया यहाँ पे यार, पता नहीं कब से छिपके बैठा हुआ है। मैं उसको मारा था शायद, यह गाइस अब रश करने वाला है। अरे भैया पहले ही डाउन हो गया गाइस, कोई बात नहीं अपना किल मैं सेव कर लेता हूँ। ले भैया एक फ्री का, क्या बात है। ओह गाइस वाला प्लेयर तो भाग गया, बट कोई बात नहीं एक फ्री में किल हमको देके चले गया है। और मेरे को मिल गई है SVD, लगता है ना गाइस आज हमको SVD ही चलानी चाहिए, क्योंकि मेरे को कई लोग कमेंट करके बोलते हैं बैज भाई अब SVD को नहीं चलाते रैंक गेम में। ओए ये कहाँ से पढ़ने लग गई,
तो आज ना गाइज मैं एक काम करता हूँ, SVD और UMPC भूया करके देखते हैं। ऑलराइट, सामने देखो यहाँ पे रश करने के लिए आ गया, ज़्यादा हीरो बनना इतना आसान है कि मेरे को मानना। तुम लोग ना शायद मेरे को जानते नहीं हो, एक डैमेज तो पड़ा उसको, लेकिन सीधे हेडशॉट। गाइज तो यहाँ पे SG गेमिंग का भी काम तमाम मैंने कर दिया है। उसको लग रहा था मैं राइट से आऊँगा, बट नहीं, मैं हमेशा स्ट्रेटजी के साथ खेलता हूँ यार। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम राइट से आ रहे हैं, लेकिन तुरंत लेफ्ट से अटैक कर दो। फिलहाल गाइस जो यहाँ पे भी बंदे आए थे, मैंने सभी को लपेटे में ले लिया है, सब मेरे घेरे के अंदर बन गए हैं, पेड़ी बन गए, धरती हिल गई है, आसमान गिर गया है। एक काम करते हैं ना, अब दोबारा से क्लॉक टावर की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है ये लोग दोबारा से रिवाइव होकर लूट करने 100% आएंगे, और मुझसे बदले लेना तो ये लोग पक्का ही आने वाले हैं। तो मैं भी किसी से डरने वाला नहीं हूँ भाई, आज तो हम लोग वेट करेंगे इन लोगों का। देखो यहीं पे नीचे मैंने क्लियर देखा, तेरी तो ऐसी कब तैसी, कब से छुपके बैठा है। मैं इसको भी ओम फो वाला हेडशॉट मार दिया गाइस मैंने, ये लो। नहीं नहीं यार, ये तो एलिमिनेट हो गया शायद, लास्ट गोली उसको कहीं और पड़ गई होगी, बट पता नहीं कब से छिपके बैठा हुआ था। दिनेश पनेरू का भी खेल खत्म हो गया गाइस, 8 किल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं चलता हूँ ऊपर की साइड। दोस्तों वैसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना। फिलहाल मैं दोबारा से घूम के क्लॉक टावर में आ गया हूँ। अब देखते हैं कि बाकी प्लेयर्स कहाँ छिपके बैठे हैं। भाई कहाँ हो तुम लोग, यहाँ पे कोई रिवाइव तो नहीं कर रहा है? ओके, कोई भी रिवाइव नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या खरीद सकता हूँ? ओह गाइस, ये हिटलिस्ट नाम की पता नहीं क्या चीज़ें, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया ना मुझे पता है, बट मुझे इतना लगता है ना कि इसको यूज़ करने से मैप पे देखो एक रेड डॉट तो आ गया, आई थिंक यहीं पे हमारी फाइट होने वाली है। क्या मैंने एनिमी की पोजीशन एक्सपोज कर दी इससे? गाइस अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि फ़िलहाल मैंने उस दुकान से क्या ख़रीदा है, बट हाँ ये रेड मार्क का मतलब कुछ अच्छा तो नहीं होगा। देखो सामने एक प्लेयर भी आ गया, आई थिंक ये इसी को मार्क कर रहा है। ओके ये गया, देखो ड्रैगन ऑक का इतना खतरनाक डैमेज है, अगर हेडशॉट ना भी लगे ना तो बॉडी स्विंग का काम तमाम कर देता है सामने वाले का। अभी देखते हैं कि अकेला है या फिर, हाँ अकेले हीरो बनना है। चल भाई तू फिर दोबारा से रिवाइव करवा लेना अपने दोस्तों से, मैं तुझे दोबारा से मारूंगा हेडशॉट अच्छे से। देखो गाइस दोबारा से मार्क आ रहे मेरे सामने, तो इसका मतलब सामने और भी प्लेयर्स हमको मिलने वाले हैं। नो, मुझे लगता है किसी ने तो एक्सपोज कर लिया है। गाइस देखो ऊपर छत से मार रहे हैं लोग, 4-5 गोलियां मार दी, लेकिन नॉक क्यों हो रहा है? वहां पर तो गाइस पूरी स्क्वाड ही है, आई थिंक इनकी फाइट हो रही है किसी के साथ। अरे वाह, सामने एक बंदा आ गया सीधे वन टैप। ओ भैया, मुझे साइड से मारने की इरादे में हो गया तुम लोग आज। और जरा एक बार इसको तो देखो, पता नहीं कब से छिपके बैठा हुआ था, सोच रहा था मेरे को कैम करके मारेगा तू। आज तो भाई ड्रैगन ऑक चला रहे तो वन टैप भी पड़ेंगे खतरनाक वाले। उस वक्त तो गाइस फिलहाल मैंने अपने एनिमी को डाउन तो कर दिया है, पर देखो रेड मार्क अभी तक हटा नहीं है, इसका मतलब ये चाहते हैं कि मैं सामने जितने भी प्लेयर्स हैं इन सब का भी काम तमाम करूँ। अरे वाह, ग्रेनेड जा रहा है, पता नहीं क्या क्या जा रहा है, मैं यहाँ से पूरा व्यू इन्जॉय कर रहा हूँ। रेड मार्क तो आया बट हेडशॉट नहीं लगा, क्योंकि वो कवर में आई थिंक। तो इन लोगों के काम करते ना गाइस, अभी फाइट करने देते हैं क्योंकि जोन भी आ रहा है। जैसे ये लोग फाइट ओवर करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तब हम लोग इनका वेलकम जरूर करेंगे। देखो सामने इनकी गाड़ी भी खड़ी है, हाई फाई। ओए लगता है गाइस साइड से कोई तो आ गया है, किसी ने मुझे देख लिया है, रिवेंज वाला प्लेयर भी हो सकता है, थोड़ा अलर्ट रहते हैं। देखो ये कहाँ जा रहा है, ग्लू वॉल पे, यहाँ पे हुआ है भैया। उसको लग रहा था भाई मैं ग्लू वॉल के पीछे छिपा हुआ हूँ, मेरे को ढूंढने के लिए वहाँ पे जा रहा है। 2 गोली में खेल खत्म हो गया ड्रैगन ऑक का डैमेज। अरे रुको 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 रुको, मैं कैसे पूछ सकता हूँ कि पीछे भी एनिमी है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे इंटेंस। अरे ग्लू वॉल कहाँ से आई, इसको बचाने कोई तो, अरे देखो पीछे से आ गया। एक मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ा इंटेंस सिचुएशन हो गई है। ओ इनकी पावर, तेरी तो चटक बन रहा है बहुत ज़्यादा। इसका भी गाइस खेल खत्म, ग्लू वॉल लगा के आराम से हील करता हूँ, पता नहीं कौन कहाँ से टपक जाए। आ जा तुझे, बहुत श्याणा बनना था यहाँ पे, छिपके वार कर रहा था। और गाइस आई होप कि मैंने अभी मेरे आसपास के सारे प्लेयर्स मार दिए हैं, पर फिर भी रिस्क काई को लेना है अपने, मैंने रिपेयर किट वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, सामने कोई भी नहीं, मुझे लगा कि एक एनिमी फिर से आ गया है। सर्किल गाइस एक बार देखो कितना छोटा होने वाला है, और पूरे अभी 21 प्लेयर्स अलाइव है। आज तो बहुत खतरनाक फाइट होगी एंडिंग जोन में, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है। फिलहाल मैं दोबारा से क्लॉक टावर की तरफ जा रहा हूँ। आज तो भाई जब से मैंने क्लॉक टावर में लैंडिंग करी ना गाइस, तब से मैं इसी एरिया में घूम रहा हूँ, और सारे मैंने किल्स यहीं पर करे हैं। अगर जोन भी एंडिंग यहीं पर बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अरे ये कब आया, एक मिनट, इसने मेरे को देख लिया क्या? तेरी तो हीरो बनता है, अरे पैक कर दिया इसने, बड़ा चालाक बनता है भाई। रुको गाइस मेरे पास ग्रेनेड है क्या? ये एक लैंडमाइन यूज़ कर लेता हूँ। ओके ये स्पेल मस्त चीज़ है, 62 का डैमेज पड़ा,
बाहर आजा, लॉन्चर यूज करता हूँ। अब क्या करेगा, हाँ हीलिंग करने भाग रहा है। यो गाइस ये साइड, इस साइड से आने वाला, रुक जाते हो तो फिर से भाई निकल ले पहले। भाई इसको तो क्या परेशान करके मारा है मैंने, कभी तो लॉन्चर से कभी स्पेल से ग्रेनेड नहीं हुआ तो क्या हुआ। हमारे पास भाई स्पेल भी काफ़ी होती है। फिलहाल गाइस ये आई थिंक अकेला ही आया हुआ था तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। कोई जोन के बाहर से तो नहीं आ रहा ना, ये देखो भैया जोन के बाहर से तो नहीं आ रहा, लेकिन आसमान से ज़रूर टपक रहा है खजूर। तेरी तो हेडशॉट, ओहो गाइस मैंने बहुत अच्छा वाला हेडशॉट अभी मिस कर दिया है। लेकिन ग्लू वॉल से बाहर तो उसको आने पड़ेगा, 1 HP बचाऊंगा बस। ग्लू वॉल तोड़ता हूँ गाइस। अरे कहाँ गया ये, किसी और ने मार दिया क्या उसको, या फिर टेट्सुआ बन के गायब हो गया होगा। दो में से एक चीज़। चलो कोई बात नहीं गाइस, बाद में देख लेंगे उसको। फिलहाल ना मैं पीछे के रस्ते निकलता हूँ क्योंकि जोन भी शुरू होने वाला है, बस 20 सेकंड बचा है मेरे पास। अगर ये वाला प्लेयर बच गया होगा ना तो 100% ये मेरे को मारने के लिए वापस ज़रूर आएगा, इसलिए मैं ऊपर से तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ये देखो यहीं पर है बंदा, सीधे हेडशॉट। हल्के में ले रहा है क्या, हाँ हल्के में ले रहा है, हमको पीठ पीछे मारेगा आज तो भैया भूया करेंगे SPB से। अरे रुको 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 गाइस, कहीं और से भी गोली पड़ रही है। इसका मतलब ये क्लॉक टावर के सारे प्लेयर्स खत्म नहीं हुए, कोई सामने तो नहीं है ना। ओके गाइस सामने कोई भी नहीं है, बट मुझे गोली तो मारी थी किसी ने, शायद ऊपर की साइड से मारी थी उसने, बट कहाँ पे यार पता नहीं चल पा रहा है। चलो कोई नहीं गाइस मैं पीछे से निकलता हूँ। ओए फिर से मार रहा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। ओके गाइस इसका मतलब एक ही हो सकता है, अगर मुझे वो दिख नहीं रहा फिर भी डैमेज पड़ रहा है, इसका मतलब वो क्लॉक टावर का जो सबसे मेन टावर है ना, सबसे लंबा वाला, उसको ऊपर से चढ़ के मार के हीरो बनना है। इसकी हीरोगिरी अभी निकालता हूँ गाइस, एक मिनट रुको, अभी मैं तो इसकी थोड़ी पोजीशन को कंफर्म कर लेता हूँ। ये देखो ऊपर ही चढ़ा हुआ है, तेरी तो हीरो बनेगा ऊपर चढ़ के, चुपचाप आप बैठा रहे वहीं पे, नाम रखा एम गॉड और हरकत ऐसी कैंपर वाली। चलो गाइस अभी वो तो मर जाएगा, किल कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसके टीममेट्स वगैरह बस कहीं और से पैदा ना हो जाए, वो चीज़ मैं देख रहा हूँ। इसलिए काम करते ना, हाथ में वेपन लेके दौड़ लगाते। देखो तो सामने एक और प्लेयर है, पड़ जा पड़ जा। अरे भाई दो गोली तो पड़ी लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हाथ में ना अभी पेन बिल्कुल भी नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है पीछे से गोली पड़ेगी। UMP ठीक है, UMP पकड़ के भागते आगे की तरफ। ये लो भैया प्लेयर भी आ गया है और सीधे हेडशॉट। यार गाइस आपने रेंज दिखी, वो प्लेयर कितने पीछे खड़ा था फिर भी मैंने UMP से उसका खेल तमाम कर दिया, जैसे कि मानो मैंने कोई AR वेपन यूज़ करा हो। इसको बोलते असली जलवा गाइस। अब बस 3 प्लेयर बचा है, यानी कि 1v3 होने वाला है, बट वो है कहाँ पे मुझे पहले ये देखना पड़ेगा। देखो वैसे फाइट वाला साइन जो है ना मुझे ऊपर की तरफ से आया था अभी तो। ये देखो ये पत्थर के पीछे बैठा है क्या, अरे वाह तेरी तो खेल ख़त्म करना पड़ेगा। अरे कितनी सारी HP लेके आया है यार, मर ही नहीं रहा, एक अंधाधुन गोलियां मैंने उसको मार दी। आई थिंक HP वाला कैरेक्टर लेके आया होगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं अपने स्पेल्स को यूज़ करता हूँ, इसकी ग्लू वॉल इसको बचा नहीं पाएगी, जैसी ग्लू वॉल मेल्ट होगी तेरी दो। अरे पहले मर गया, इसका मतलब गाइस वहाँ पे एक और प्लेयर है। एक मिनट अभी 1v1 होने वाला है, देखो पत्थर ऊपर ही है, ये तो सरप्राइज दे दिया, ओरियन बन जाता हूँ। नहीं ओह यार लास्ट टाइम पे यार वो मैग लेके आ गया, मैग 7 थी उसके पास, शॉर्ट रेंज में उसने बैंड ही बजा दी यार सारी गोलियां भर दी मेरे ऊपर। चलो कोई बात नहीं गाइस, बुया होते होते रहेगी, बट 16 किल्स के साथ हमने ऑसम गेम प्ले कर लिया। आई होप आपने आज के वीडियो एंजॉय करा होगा, अगर वीडियो पसंद आई गाइस तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।